बुधवार को तुलसीदास मेमोरियल कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा बच्चों को वैक्सीनेशन के 15 से 20 मिनट रुकने के बाद ही घर जाने की अनुमति दी गई। बच्चों ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधक एवं टीचर को धन्यवाद दिया कि स्कूल के कैंप में ही वैक्सीनेशन कैंप लगाकर हम सभी बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है तथा कहीं और जाने पर किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए स्कूल के प्रबंधक एवं प्रिंसिपल ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल परिसर में कैंप लगाया। बच्चों ने बताया कि वैक्सीनेशन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है तथा सभी बच्चों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जिसके संबंध में कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल के प्रिंसिपल साजिया खान ने बताया कि मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा तथा बच्चे भी टीकाकरण के प्रति जागरूक हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उन्होंने बच्चों के गार्जियन से अपील किया कि हर माँ बाप को चाहिए कि वह अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जहाँ भी कैंप लगा है वहाँ जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी से बचने के लिए दो ही उपाय हैं, टीकाकरण और सोशल डिस्टेंसिंग। इस अवसर पर प्रदीप सिंह, रजनीश सिंह, विनय शर्मा, महेंद्र सिंह तथा अनुराग पांडे उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल के वैक्सीन लगवाने वाले बच्चे तथा प्रिंसिपल साजिया खान ने कहा, हमें अच्छा लगा वैक्सीन, हमारे स्कूल में हमको अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में एक कैंपेन हुआ वैक्सीन का, हमें अच्छा लगा है। जो बच्चे ने नहीं लगवा रहे हैं, डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको लगवाना चाहिए क्योंकि इससे देश को भी सुरक्षा होगा। बाकी नागरिकों से क्या अपील करना चाहिए, बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कहना चाहते हैं कि हमें लगवाना चाहिए वैक्सीन, वैक्सीन लगवाना चाहिए। पीयूष अरसिया, हमको आज वैक्सीन लगाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमको अच्छा लग रहा है कि स्कूल हम लोग का ये ऑर्गेनाइज़ किया है, मतलब ऐसा ही, मतलब सही है ये सब लगवाना कि हम लोग देश सुरक्षित रहेगा। जो बच्चे वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, जो बच्चे वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, डरने की बात नहीं है, मतलब हम कुछ हो नहीं रहा है, मतलब आगे चल के हम ही लोग ठीक हो जाएंगे। वैक्सीनेशन करा क्या करेंगे सरकार? हमारे स्कूल वैक्सीनेशन करवा रहा है, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जीत श्रीवास्तव, मुझे अब वैक्सीन लग चुकी है और स्कूल में ही लगी है, और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्कूल के टीचर्स थे साथ में और मैम भी थी, और अच्छे से काफ़ी हो गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है स्कूल में, और मैं जब आया 2 मिनट का समय बस लगा है। सो ये बहुत अच्छा चीज़ था, और अब मेरी क्लासेस अब अच्छी चलेंगी, और इट्स वेरी गुड। तो सही है, जो बच्चे वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, उनके लिए डरना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, 1 मिनट का समय लगता है और ये अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदित्य कुमार गुप्ता, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल ने ऐसे वैक्सीन प्रोवाइड किया है, कहीं और जाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम लोग कहीं और जाते तो थोड़ा डर लगता, बट हमारे स्कूल ने ये प्रोवाइड किया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो बच्चे वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर स्कूल में उनको प्रोवाइड वैक्सीन हो तो स्कूल में लगा ले, कोई डर नहीं है उन्हें बाहर जाके। संजना यादव, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू टू कैटलिस्ट हिम, ताकि हम लोग को इतना अच्छा मौका दिए कि ताकि हम लोग कहीं और ना गए और स्कूल में ही हम लोग को वैक्सीन लग गया। और मैं और बच्चों को कहूँगी कि जो डर रहे हैं मतलब वैक्सीन लगाने से, वो आएँ और वैक्सीन लगाएँ, बहुत ही अच्छा है सबके लिए। थैंक यू। उत्कर्ष यादव, वैक्सीन लगने से हम लोग को, मैं
अफ्रेड तो हो रहा था, लेकिन जैसे लगा तो अब उतना दिक्कत नहीं हो रहा है और हमें अच्छा भी लग रहा है पहले से। और वैक्सीन हम लोग ईजिली यहाँ पे आके अफोर्ड हो गया, और अगर हम लोग कहीं और जाते तो मे भी वहाँ के माहौल कैसा रहता, सिचुएशन कैसा रहता है। यहाँ पे ईजिली हम लोग आए और हम लोग को वैक्सीनेशन लगा, एंड वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड बिकॉज ऑफ द दिस, एंड वी जस्ट टेक द वैक्सीनेशन सो दैट वी कैन स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ द COVID-19, एंड सून द स्कूल मे बी ओपन इफ ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू टीचर्स, प्रिंसिपल रिगार्डिंग दिस एवरीथिंग। थैंक यू। मैं डॉक्टर शाजिया खान, कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कि स्कूल्स में कैंप लग रहा है बच्चों के लिए, वर्थ अप्रिशिएटिंग है। बच्चे यहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और जो कॉपरेशन जो हमें गवर्नमेंट के साइड से मिल रहा है कैंपिंग के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। बच्चों का ईजिली वैक्सीनेशन हो जा रहा है, ना क्यू लग रही है, प्रिकॉशन पूरा है जिस तरीके से जो स्टाफ लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, तो बच्चों को कोई पेन नहीं है, बच्चे सिक्योर फील कर रहे हैं। तो दिस इज़ रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्कूल में स्टार्ट करवाया है। वैक्सीन बच्चों में कितना कारगर है? सर, वैक्सीन बहुत कारगर है, क्योंकि इससे फेटालिटी रेट, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी बच्चों में, और बच्चे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि लड़ने की क्षमता उनकी कोविड से बढ़ी है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बच्चे जिस तरह से टर्न अप हो रहे हैं, ये उनकी जो कॉन्शियस है वो टर्न अप बड़े आराम से हो रहे हैं, हमें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो बच्चे जागरूक हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जो यूथ है इंडिया की, वो समझती है वैक्सीन का इम्पोर्टेंस। जनप्रवासियों से क्या अपील करना चाहिए? हर माँ बाप, हर गार्जियन अपने बच्चों को इनक्रेज करें, डरे नहीं, वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं, आए हमारे कैंप पे, जहाँ पे भी कैंप लग रहा है वो ज़रूर आए लगवाएं। और कोविड से दो ही तरीके से हम बच सकते हैं, वैक्सीन से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, यही दो तरीके हैं। और हम सबको एज एन इंडियन ये ज़रूर करना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य बनता है।